encoded by Sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك صدق الله العظيم حضرات علماء کرام हुफ्फाज़ किराम भाइयों बुज़ुर्गों और दोस्तों जमीयतुल हुफ्फाज़ की तरफ से ये जो प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है इससे पहले भी काफ़ी अच्छे और मुनासिब प्रोग्राम मुनाकिद हुए जिसकी वजह से जैसे कि बताया गया कि अवामुन नास के अंदर खुसूसन अपने बच्चों को कुरान पाक के हिफ्ज़ करने का एक जज्बा पैदा हुआ। इस वक्त हिफ्ज़ के भटकल के अंदर कमोबेश मर्दों के 25 क्लासेस चलते हैं पूरे भटकल के अंदर जामिया और दारुल तालीम वगैरह के मिलाकर कम से कम 25 दर्जात चलते हैं जिसमें कुरान पाक बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं 25 असातिज़ा से ज़्यादा के पास और औरतों के इसके अलावा हैं बाज़ मसाजिद के अंदर और बाज़ स्पोर्ट्स सेंटर अपने यहाँ इसका इंतज़ाम कर रहे हैं। इतनी बात हमें जानना हम जानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि हम इसको नाजिल करने वाले हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र कमोबेश 50 से ज़ायद आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इस कलाम को अपनी तरफ से नाजिल होने की बात कही है। निस्बत अल्लाह की तरफ से आया हुआ कलाम नज़ल बिहि रूहुल अमीन रूहुल अमीन इसको लेकर आए अला कल्बिक और अल्लाह के अफजल तरीन पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर इस कलाम को उतारा गया अफजल तरीन महीने में अफजल तरीन रात में अफजल तरीन जगह में और इन सब से बढ़कर ये अल्लाह तबारक व ताला का जो कलाम है उसके ताल्लुक़ से फिर क्या कहा जाए जितना भी कहा जाए कि ला यख्लुक़ु अन कसरति रद्द हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया था बार बार के तकरार से इसके अंदर कोहनगी नहीं आती है बल्कि आदमी जितना ही पढ़ता जाता है जितना ही उसको पढ़ करके अपने अंदर उसका अपना उससे ताल्लुक़ कायम करता है उतना ज़्यादा वो बुलंद होता जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलामुल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखने वालों को खुसूसी एज़ाज़ से नवाजते थे। आज ही तलबा को हदीस के अंदर पढ़ाया गया तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर कि शुहदाए उहद के लिए जब कपड़े कम हो गए कफन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कफन के अंदर दो दो तीन तीन को रखते थे कब्र में भी उनको लिटाते वक्त पूछते थे इनमें सबसे ज़्यादा कुरान पाक किसको याद है जिसके मुतालिक आपको बताया जाता कि फ़लाँ साहब को कुरान पाक ज़्यादा याद है आप कब्र में उसको आगे रखते थे। ये अल्लाह का कलाम और अल्लाह के कलाम के अंदर क्या ताकत है गुज़िश्ता हफ्ते मखदूम कॉलोनी के जलसे के अंदर आपने हज़रत मौलाना इकबाल साहब दामत बरकातहुम की ज़ुबानी बहुत से लोगों ने सुना होगा वो कारी साहब के हवाले से बता रहे थे कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि ये जो कायनात पूरी बनी है लफ्ज़ कुन से बनी है कुन अल्लाह का कलाम है ये कलिमा भी कुरान पाक के अंदर है। जब अल्लाह के कलाम के अंदर इतनी अजमत है कि एक कलाम से अल्लाह ताला अपनी इस कायनात को वजूद बख्श सकते हैं तो इस कलामुल्लाह के अंदर कितनी बड़ी अजमत होगी इस कलाम के अंदर कितनी बड़ी ताकत होगी हम इसको सोचते ही रहें और इसके ताल्लुक़ से अगर हम गौर कर लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कलाम कितना भारी कलाम है। अल्लाह ताला ने इस कलाम को अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा करके उन कौमों पर या उन लोगों के सामने जो
अपनी ज़ुबान दानी के ताल्लुक से अपने को अरब और दूसरों को अजम कहते थे। पूरी दुनिया के ज़बान बोलने वाले उनके नज़दीक अजम और वो अरब थे। वो अरब जिनके पास शायरी और शायर का जो मकाम था और अरबी ज़ुबान के वो जिस कदर माहिर थे, उनके सामने अल्लाह तबारक व ताला ने चैलेंज किया था कि इस कुरान के मिसल लाकर पेश करो। पूरा नहीं पेश कर सकते तो कम से कम एक सूरा ही सही, वो नहीं तो कम से कम एक आयत ही सही। ये चैलेंज उन लोगों को था जो कलाम जो अरबी ज़ुबान के माहिर थे, लेकिन कौन कलाम पाक की बराबरी कर सकता है? कलाम पाक से ताल्लुक़ और कलाम पाक से नस्बत ये दुनिया के अंदर भी लोगों को बुलंदी अता करती है और दुनिया से ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला आखिरत में उन लोगों को बुलंदी अता करते हैं जो कलामुल्लाह से ताल्लुक़ रखते हैं। क़ारी कुरान से कुरान क़ियामत में कहा जाएगा, इक़रा वरत्तिल, तुम कुरान पाक पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात पे आगे बढ़ते जाओ। जितना तुम पढ़ते जाओगे उतने ज़्यादा तुम जो है जन्नत के दर्जे बुलंद करते जाओगे। तो कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ और कुरान पाक के साथ इश्क, ये एक मोमिन की शान होनी चाहिए। आपके लिए मैं एक बात कह के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, हमारे अवामुन्नास के ताल्लुक से जिनको कुरान पाक पढ़ना अभी आया नहीं या इसकी तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी। हज में जाते हैं, मक्के पहुँचने के बाद हर आदमी की ख्वाहिश होती है, बहुत से लोग जिनके अंदर हिम्मत और ताकत होती है, हम ज़रा गारे हिरा जाकर देखें जहाँ पर अल्लाह का पहला कलाम की पहली आयतें उतरी थी, इकरा की जो आयतें वहाँ उतरी थी, लोग वहाँ जाते हैं देखते हैं। हमारे हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे साहब दामत बरकातुहुम एक जलसे में फरमा रहे थे, अगर अल्लाह ताला कुरान पाक की किसी आयत को किसी पहाड़ पर रख देता, अच्छे से खत्तात के ज़रिए या किसी के ज़रिए लिखवा कर वहाँ लगा दिया जाता था, ये कलाम है अल्लाह का कलाम, लोग उसकी तरफ सफ़र करते, लोग वहाँ जाते और जाकर आकर कहते हमने अल्लाह का कलाम देखा है, हमने अल्लाह का कलाम, हम अल्लाह के कलाम को देख कर आए। मेरे भाइयों, कलामुल्लाह हमारे पास मौजूद है, हम लोगों के घरों में है, मस्जिदों में है, पढ़ाने वाले मौजूद हैं, सिखाने वाले मौजूद हैं, उसके बावजूद भी अगर हम कुरान पाक को पढ़ना नहीं जानते और कुरान पाक को सीखना हम नहीं चाहेंगे तो इससे बड़ी महरूमी क्या होगी, इससे बड़ी बेबरकती क्या होगी। हमारे जमीयतुल हुफ्फाज़ के जो उलमाए किराम हुफ्फाज़े किराम हैं, इस पैगाम कुरानी को आम करना चाह रहे हैं। जिन लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता उनके लिए भी वो इंतज़ाम कर रहे हैं, इस कुरानी पैगाम को, इस कुरानी पैगाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसको अपनों भी आम करने की जहाँ कोशिश कर रहे हैं। हमारे इन हजरात से मुखलिसाना गुजारिश यही होगी कि इस कलाम को हमारे बिरादरान वतन तक पहुँचाने के सिलसिले में कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाएं और ये तय करें कि एक साल के अंदर कम से कम इतने नुस्खे हम इतने बिरादरान वतन तक पहुँचाएँ ताकि वो भी अल्लाह के इस कलाम को पढ़ करके, इसके मानी को देख करके, वो कम से कम इस्लाम के ताल्लुक से, अल्लाह के ताल्लुक से, नबी के ताल्लुक से उनकी जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएँ और वो फिर इसके ज़रिए इस्लाम के मुताले करने, इस्लाम का मुताला करने पर मजबूर हो जाएँ। मैं इस जमीयत के ज़िम्मेदारों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद इस तरह के बेहतर से बेहतर प्रोग्रामात मुनाकिद करने की तौफीक अता फरमाएँ और हम सबों को अल्लाह तबारक व ताला अपने इस कलाम पाक के साथ मजबूत से मजबूत ताल्लुक बाकी रखने की तौफीक इनायत फरमाए। आखिर में मैं इन हजरात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।